हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2021। बात करेंगे यहाँ पे 7 ऐसे शेयर कल जब बाजार ओपन होगा, मतलब एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होगा, तो कल ठीक 9:15 पे आपको ये 7 शेयर के अंदर ज़रूर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये 7 शेयर के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है। कौन सा ये 7 शेयर है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है कल की डेट पे, तो चलिए देखते हो वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2021। बात करेंगे कल, मतलब मंडे 13 सितंबर से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। तो कल जब बाजार ओपन होगा, यहाँ पे टोटल मैं आपको रेकमेंड करूँगा 7 ऐसे शेयर जिसके अंदर आपको नज़र रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कोई भी शेयर में शेयर को बाई या सेल करने का राय नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 7 शेयर के पीछे बहुत ज़्यादा कुछ रीज़न है जिसके कारण शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या तो बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा 7 शेयर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कल की डेट पे नज़र रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला शेयर है दोस्तों, इंडिया का नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, रिलायंस का शेयर दोस्तों लगातार हमने देखा था लास्ट एक महीने से, देखिए ऑलमोस्ट 13% के ऊपर भाग आया। लास्ट 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिला रिलायंस के अंदर, इवन ब्रेकआउट भी आया था। तो रिलायंस दोस्तों 10 सितंबर, आपको डेट याद होगा, 10 सितंबर रिलायंस का जो जियो फोन नेक्स्ट है वो लॉन्च का प्लान चल रहा था, बहुत पहले से ही वो प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन दोस्तों ये जो लॉन्च करने वाला था जियो फोन नेक्स्ट, उसे डिले कर दिया। क्यों? जो कि सेमी चिप कंडक्टर है उसे शॉर्टेज होने के कारण, वो पूरा ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेज है। उसके पहले हमने देखा था टाटा मोटर्स के अंदर भी शेयर के अंदर गिरावट आया जिस कारण, तो बेसिकली वो चिप शॉर्टेज के कारण हमें वो थोड़ा डिले कर दिया गया वो लॉन्चिंग डेट को। और जो नया लॉन्चिंग डेट अभी तो डिक्लेयर नहीं किया, बट फिलहाल यहाँ पे कंपनी के थ्रू बताया है कि दिवाली के पहले लॉन्च करेगा। तो वो जो 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्च होने जा रहा था जियो फोन नेक्स्ट, वो नहीं हो पाया, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें कल की डेट में जब बाज़ार ओपन होगा रिलायंस की शेयर प्राइस में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है या बाकी सारे जो कस्टमर्स है रिलायंस का, सब उसी दिन की वेट कर रहा था कि जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग का, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ख़राब लगेगा क्योंकि कंपनी ने फिर से उस डेट को आगे की तरफ डिले कर दिया। तो चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे और एक शेयर जिसके अंदर हमें कल की डेट में बहुत ही कड़ी नज़र रखना चाहिए, वो है LIC ग्रुप का LIC हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों सैटरडे यानी परसों, मतलब कल इसका न्यूज़ आया था, देखिए 2 दिन पहले का फ्राइडे के दिन ही, उसी दिन LIC हाउसिंग फाइनेंस ने लगभग 2335 करोड़ का फंड रेस करने जा रहा है, और ये प्रेफरेंस शेयर टू LIC, मतलब ये एक टाइप का बाईबैक ही समझ लीजिए। मतलब LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो पेरेंट कंपनी है कौन है, हम सभी को मालूम है LIC है, जिसका IPO दोस्तों इसी साल आने जा रहा है। तो LIC नहीं, जिसका इनका पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे शेयर खरीदेगा, यानी एक टाइप का बाईबैक है। टोटल उतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बट हाँ शेयर खरीदेगा, और जो शेयर का खरीदने का जो प्राइस रखा गया है वो 518 रुपये, जो कि आज के रेट में अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 418 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम प्राइस में शेयर को खरीदेगा इनका पेरेंट कंपनी उन्हें खुद ही लगभग 2300 करोड़ के ऊपर। तो बेसिकली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर हमें कल मार्केट जब ओपन होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में हमें जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही शेयर को बाई सेल करने का राय नहीं दे रहा हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप कल इसी शेयर के ऊपर नज़र रखने के लिए। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना मैं आपको शेयर को बाई करने या सेल करने की राय दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नज़र रखने का राय दे रहा हूँ। नेक्स्ट शेयर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे BPCL, एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है जिसका प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा सरकार इसको एग्रेसिव हर एक स्टेप ले रहा है। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो BPCL के अंदर दोस्तों क्या रीज़न है मैं आपको दिखाता हूँ। याद है आपको दोस्तों, Q4 रिजल्ट के साथ कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड का जो अमाउंट था वो काफ़ी ह्यूज था, 23 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था, उसके साथ साथ दोस्तों 35 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था, यानी दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 58 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था Q4 रिजल्ट के साथ, और जिसका एक्स डेट का नंबर निकल के आ रहा है दोस्तों
16 सितंबर 2021 को, यानी आप अगर 13th, 14th, या 15th, ये तीन दिन आपके पास है, सोमवार, मंगलवार या बुधवार, या तीन बार में अगर आप खरीदते हो शेयर BPCL का, तो उस केस में आपको BPCL का डिविडेंड जरूर मिलेगा। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी शेयर दोस्तों कितने भी अच्छे हो जाए, आप गलती से भी डिविडेंड या बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट ये सबको देख के इन्वेस्ट मत करना। दूसरी बात दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है और बेसिकली जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है, तो ये सब कुछ को आपको देख के इसके अंदर एंट्री लेना है, अदरवाइज इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। तो इसके ऊपर भी दोस्तों हम सभी का नजर आएगा कल की डेट पे। नेक्स्ट शेयर दोस्तों बात करेंगे एम्फासिस, एक आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी। दोस्तों इसके ऊपर भी कल की डेट में हमें सभी का नजर रहेगा, क्योंकि एम्फासिस भी ठीक वही डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए एम्फासिस भी क्वार्टर फोर रिजल्ट के साथ साथ ठीक वैसे ही फाइनल डिविडेंड दिया था 38 रुपये का, और उसके साथ साथ स्पेशल डिविडेंड का डिक्लेयर किया था 27 रुपये का, यानी ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे ऑलमोस्ट 68 रुपये के आसपास कंपनी ने टोटल, ठीक है, डिविडेंड 65 रुपये, सॉरी माफ़ करना, 65 रुपये के आसपास कंपनी ने टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिसका एक्स डेट है दोस्तों कल की डेट पे 13 सितंबर 2021 को। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटाइल रह सकता है, तो इसके ऊपर भी हम सभी का नज़र आएगा। शेयर ज़बरदस्त है, बट यहाँ पे मैं आपको बाई या सेल करने का राय बिल्कुल ही नहीं दे रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि शेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नज़र रखिए। चलेंगे नेक्स्ट शेयर पे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना। नेक्स्ट शेयर है हमारे लिस्ट में आईटी सेक्टर का एक नंबर कंपनी इंडिया का, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। तो जिसके तो ऊपर दोस्तों कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था, याद होगा आपको, आईटी सेक्टर, तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ टाटा मतलब TCS के ऊपर नज़र रखने के लिए, बल्कि यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा का पूरा आईटी सेक्टर के ऊपर ही नज़र रखिए कल की डेट में, क्योंकि कल आईटी सेक्टर दोस्तों ज़बरदस्त भागने वाला है। क्योंकि कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था कि जो बड़े बड़े कंपनीज है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस ने यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको मैसेज कर दिया, उनको लेटर भेज दिया है कि नॉर्मल मतलब COVID-19 पैंडेमिक के पहले, लगभग डेढ़ साल पहले, जैसे नॉर्मलाइज तरीके से काम होता था ऑफिस में जाके, तो वही वर्क फ्रॉम होम को छोड़ के ऑफिस में जाके काम करने के लिए, तो यानी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मलाइज हमें देखने को मिलेगा अभी अगले कुछ महीने से। तो जिस कारण दोस्तों ये सारे कंपनीज के ऊपर हमें काफ़ी भारी भरकम तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों ये सारे कंपनी जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक क्वार्टरली रिजल्ट के पहले देखिए ये जो शेयर है, शेयर का मूवमेंट देखिए, हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलता है ठीक क्वार्टरली रिजल्ट के पहले। तो ये तेज़ी दोस्तों TCS या बड़े बड़े कंपनीज के अंदर हमें बरकरार रह सकता है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो हम सभी को मालूम है, क्वार्टर टू का रिजल्ट जब अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा कल की डेट पर नज़र रखने के लिए सिल्फर सिल्व, JSW स्टील, स्टील सेक्टर का एक मार्केट लीडर कंपनी है, निफ्टी 50 में आने वाला शेयर भी है दोस्तों। कुछ टाइम पहले ही कल की डेट पे देखिए इसका नोटिस आया था, एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ आया था। मूडीज़ जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी है, मूडीज़ ने JSW स्टील का जो आउटलुक है उसे पहले स्टेबल यहाँ पे रेटिंग दिया था आउटलुक को, जो कि अभी उसे चेंज करने करके पॉजिटिव आउटलुक बताया जा रहा है। तो बेसिकली इतना बड़ा जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी मूडीज़, आपने नाम तो सुना ही होगा मूडीज़ का, तो मूडीज़ यहाँ पे स्टेबल से पॉजिटिव किया, तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट दोस्तों शेयर में ज़रूर मिलेगा। और कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी अच्छा कंपनी है, बट यहाँ पे मैं आपको दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ शेयर को बाई या सेल करने के लिए लड़ाई नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं इसके ऊपर नज़र रखने का सलाह दे रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल शेयर दोस्तों एक मोनोपोली कंपनी IRCTC, आपको याद होगा दोस्तों कल की डेट पर जो मैं वीडियो पोस्ट किया था, इंडियन रेलवेज ने ये फैसला लिया है, कौन, इंडियन रेलवेज ने खुद यहाँ पे फैसला लिया है कि इंडियन रेलवेज के अंदर दोस्तों सब कुछ पहले जैसे, मतलब डेढ़ साल पहले, ठीक है, COVID-19 पैंडेमिक के पहले जैसे सब कुछ नॉर्मलाइज चल रहा था, पैसेंजर ट्रेन या लॉन्ग रूट का एक्सप्रेस ट्रेन सब कुछ वैसे नॉर्मल कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ डायरेक्टली कनेक्शन है इंडियन रेलवेज जो कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC का, क्योंकि इसका जो बिजनेस है कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि रेलवेज कितना सस्पेंड है, कितना रिज्यूम हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग एंड ई कैटरिंग सर्विसेज, तो वो डिपेंड करता है रेलवे चलने या ना चलने को, मतलब जिसके कारण दोस्तों इसके ऊपर हमें भारी भरकम नज़र रहेगा कल की डेट पे। तो दोस्तों ये सात शेयर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ जो कि कल की डेट पे आपको नज़र रखना चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको खरीदारी करना या सेल करने का या बाई करने का राय नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नज़र रखने के लिए राय दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो का ये वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।